क्या आपने कभी रेलवे के इंजन लोकोमोटिव में सफर किया है? पैसेंजर ट्रेन कंपाउंड और इंजन में क्या फर्क होता है? आपको आज की वीडियो में हम रेलवे इंजन का सफर और उसके अंदरूनी मनाजिर दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान अहमद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल रिजवान व्लॉग्स। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें, साथ दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मौसूल होता रहे। लफ्ज़ लोकोमोटिव लातिनी जबान के लफ्ज़ लोको से निकला है, जिसका लफ्जी मतलब है मोशन या हरकत, जबकि मोटिव किसी भी मुख्तसर शक्ल को कहा जाता है। रेलवे के निज़ाम में रेल की नकलो हमल के कामों में इंजनों की तीन अकसाम हैं: मुसाफिर ट्रेन, मालबरदार ट्रेन और स्विचिंग ट्रेन। लोकोमोटिव या इंजन एक रेल ट्रांसपोर्ट व्हीकल है जो ट्रेन को मुतहरक करने के लिए ताकत फराहम करता है। 1814 में भाप से चलने वाले खुदकार इंजनों को मुतारफ कराया गया, जो वक्त के साथ साथ जिद्दत इख्तियार करते गए। आज के इंजन इंतहाई तेज रफ्तार हैं, जिनकी स्पीड 500 किलोमीटर फी घंटा से भी ज्यादा है। लोकोमोटिव का बुनियादी काम ट्रेन से मुंसलिक कोचेज, ट्रालियाँ या टैंकों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता है। रवायती तौर पर रेल गाड़ियों के आगे लोकोमोटिव को अटैच किया जाता है, जिसे पुल ऑपरेशन भी कहते हैं, लेकिन दो तरफा ड्राइव की वजह से लोकोमोटिव पुश ऑपरेशन पर भी इस्तेमाल किया जाता है। हम आम तौर पर गाड़ियों और बसों में सफ़र करते हैं तो हमारे जहन में स्टीयरिंग का नक्शा बनता है, जिसके अलावा गियर, क्लच और ब्रेक भी इस्तेमाल होते हैं, मगर लोकोमोटिव इन सब से यकसर मुख्तलिफ होता है। हमारे साथ आज वीडियो में मौजूद होंगे लीडिंग कैप्टन जनाब सलीम लोधी साहब, जिनका तकरीबन 35 साल का लोकोमोटिव ड्राइव का एक्सपीरियंस है, जबकि को कैप्टन या जूनियर कैप्टन जनाब आबिद साहब होंगे, जो अभी तजर्बा हासिल कर रहे हैं। आज का ये हमारा सफर पंजाब के एक इलाके का है, जिसके बारे में अगर आप जानते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आबिद साहब हमारे लिए चाय बना रहे हैं और ऐसी रिफ्रेशमेंट इंजन में होती रहती हैं, क्योंकि स्टाफ इंजन से बाहर कम ही जाता है। अगर गाड़ी किसी प्लेटफॉर्म पर रुकती है तो इस दौरान जूनियर कैप्टन और दीगर अमला गाड़ी की चंद ज़रूरी इंस्पेक्शंस करते हैं। चले जी, चाय आ गई, अब चेक करते हैं चाय बनी कैसी है। वाओ माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त बेहतरीन दूध पत्ती बनाई आबिद भाई ने, बहुत शुक्रिया सर आपका। और आप तसव्वुर कर सकते हैं कि इस तरह इंजन के अंदर बैठकर पोठोहार के पहाड़ों में चाय पीने का अपना ही मज़ा है। थैंक्स टू बोथ ऑफ यू फॉर दिस हॉस्पिटैलिटी एंड थैंक्स टू पाकिस्तान रेलवेज टू। हमारे यहाँ नाची बनाने के लिए
ये स्पीड को इंक्रीज करने के लिए या डिक्रीज करने के लिए? हाँ, डिक्रीज करने के लिए। ठीक है। और ये वाला इंजन कंट्रोल है? हाँ, इंजन की जो स्पीड है जी, इंजन को ट्रेन कंट्रोल करते हैं। अच्छा अच्छा जी। और ये नीचे वाला लीवर जो है ये लोकोमोटिव कंट्रोल करते हैं। लोकोमोटिव और इंजन में क्या है? ये हमारे पास ट्रेन आ रही है ना जी, जी एक साथ बोगी होती है जी, तो ये ट्रेन के लिए है। अच्छा, ये सिर्फ और लोकोमोटिव के लिए है। अच्छा अच्छा जी। और ये जो स्विचेज है सारे? जी हाँ सारे, ये है बैटरी वोल्टेज आएगी। अच्छा, बैटरी हम पैर है लो 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 मीटर वोल्टेज आएगी जी जी। मेन ये दबाया रहेगा जी। अच्छा, कंट्रोल प्रेशर गेज हो गया तो वेलकम कंट्रोल प्रेशर गेज। और ये नीचे वाला लीवर जो है? हाँ, ये इनके चार पोजीशन है जी, फॉरवर्ड डायरेक्शन, मिड पोजीशन, रिवर्स है, गियर ऑफ पोजीशन है। ये फॉरवर्ड पर है, ये मिड पर है, ये आगे पीछे नहीं चल सकेगा। ये होगी, ये रिवर्स हो गया, पीछे हो गया, न्यूट्रल हो गया। अच्छा, ये ऑफ पोजीशन में इस पर जमा थाटल लॉक हो गया। अच्छा, मतलब इंजन लॉक हो गया पूरा? हाँ, पूरा इंजन नहीं चलेगा जी, थाटल नहीं खुलेगा। और ये विसल जो है? हाँ जी, अच्छा, ये हमारी विसल है जी। हमारे जब आप देखते हैं कि अगर लैंथ पर रिकावट तो हम मिसल इस्तेमाल करते हैं। एयर प्रेशर मिसल है? दो हैं, एक उस पर एक रशियन ड्राइवर की साइड, एक मेरी साइड है। अच्छा, ये कब बजाते हैं एयर? जब हमारे लैंड में रिकावट हुआ, मैं महसूस करके भेजिए लैंड में है। कुछ जानवर भी आए थे तो? हाँ, जानवर तो उसका हम ये इंडिकेशन वार्म अप करते हैं, चलाते हैं, तो जो चीज़ होती है वो बंद होते हैं। जो रेलवे फ्लाई पत्ते होते हैं हमारा, वो ड्राइवर मिसल बजा रहे हैं, मार्ग में कोई खराबी है या हमारा गेट बंद है, हमारा सिग्नल डाउन नहीं है वगैरह, कांट सही नहीं, वॉचमैन पर बंदा सही नहीं, फेसिंग ट्रेलिंग पर बंदा नहीं हो, उसको समझ जा सके क्या उसको डिफिकल्टी नज़र आ रही है। और ये स्पीड, ये स्पीड और मीटर है सर, ये हमारी गाड़ी स्पीड कितनी होती है? मैक्सिमम स्पीड हमारी जो सेक्शन की हमारी 80 किलोमीटर है सर। 80 किलोमीटर? 80 किलोमीटर सेक्शन की है। अच्छा, और टेम्परेचर कितना होता है? टेम्परेचर को 60-61 से लेकर 90 तक होना है सर। तो ये लोकोमोटिव एयर कंडीशन नहीं है? नहीं, एयर कंडीशन फिल नहीं है। एयर कंडीशन भी आते हैं? आते भी हैं, वो भी है। ये क्या इसका मॉडल 130? मॉडल 120 है। 120 है। और इसमें ये जो टोकन है, ये जो बाल टोकन है, 30 है। इसमें तो स्टीयरिंग है नहीं जी, तो ये जो ट्रैक है इसके ऊपर जो कर्व आते हैं उन पे गाड़ी कैसे मुड़ती है फिर? ये जो लाइन के ऊपर गाड़ी रवान दवान चलते हैं, जहाँ पर लाइन होगी तो उसी तरह मोड़ नहीं सकते अपनी गाड़ी, बिल्कुल अपनी खुद ही ट्रैक ऑटोमेटिक गाड़ी लाइन पर कुछ जिस तरह करो वो दिख जाए कि शक्ल में गाड़ी लाइन उसी तरह गाड़ी। अच्छा, और जो बाकी अगले स्टेशन हैं जी उनके साथ रब्ता कैसे होता है? वो सर हमारा हमारे पास मोटरोला भी लग गया है, और स्टेशन भी इनकी होती है। अच्छा, कम्युनिकेशन निज़ाम है वो, उनसे काम उनका अराइवल डिपार्चर देते हैं, और हमारे पास भी है मोटरोला काम करते हैं, हम ही भी अगले स्टेशन से पिछले स्टेशन से रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, और ये टोकन है थर्ड टोकन जी, क्या मतलब है? ये अथॉरिटी हमारी अगले स्टेशन को जाने के लिए, ये अथॉरिटी है, मीन दी अथॉरिटी गिवन टू द ड्राइवर ऑफ ए ट्रेन एंड दिस सिस्टम ऑफ ए ब्लॉक। आखिरी बोगी के आखिर में एक्स क्यों लिखा होता है? एक्स क्यों लिखा होता है? जो गार्ड के जो टेल बोल्ट होते हैं ना जी, कुछ वो कट का मार निशान लगाते हैं। अच्छा अच्छा, कभी आगे भी पीछे ना कोई चीज भी नहीं है, आगे एंड है। गाड़ी की रुकती है स्टेशन के ऊपर तो ये टोकन उसको दे देते हैं, उससे दूसरा दे देते हैं, ये टोकन जो है ना वो ले लेते हैं, और अगले स्टेशन का टोकन हमें दे देते हैं। अच्छा, और अगर जो स्टेशन क्रॉस करना हो, रुकना ना हो, वो भी उसका टोकन भी लेना पड़ता है। अच्छा, मैंने देखा आप ऐसे दे रहे थे तो आप पीछे स्टेशन का जो टोकन है ना जी, वो उनको देना पड़ता है, और उनसे जो टोकन है ना वो रिसीव करना पड़ता है, और आगे जाके फिर देना पड़ता है, फिर आगे स्टेशन पे जाके वो टोकन जो हमने पीछे स्टेशन से दिया था वो आगे आगे स्टेशन पे देना पड़ता है। अच्छा जी, ये मतलब बेसिकली ये रूट क्लियर करने के लिए आपका ये है कि मतलब आगे हमारा सेक्शन क्लियर है। अच्छा, ये अगर अल्लाह न करे कोई मिस्टेक होती है, गाड़ी बंद है या एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी खड़ी है या कोई मसला है, तो फिर वो जो है ना उसमें हम कोई जिम्मेदार नहीं, वो पीछे स्टेशन वाले जिम्मेदार हैं। वो टोकन आपको खुद नहीं देंगे? अगर गाड़ी खड़ी है कहीं स्टेशन पे, ब्लॉक सेक्शन पे खड़ी है कहीं, तो पीछे वो टोकन नहीं देंगे हमें। अच्छा, टोकन मतलब यही है कि रूट क्लियर करना है? ये टोकन जो देते हैं उसका मतलब है कि पीछे जो है ना आगे आपका व्यूअर्स, ये थी हमारी वीडियो लोकोमोटिव के हवाले से कि लोकोमोटिव किस ऑपरेशन पे काम करता है, अंदरूनी मनाजिर क्या होते हैं,
गाड़ी में और इंजन में क्या फ़र्क होता है, कितने कैप्टन होते हैं, स्पीड कितनी होती है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, साथ दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मौसूल होता रहे। इस दुआ के साथ कि जहां रहें खुश रहें, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।